फ्लाईओवर बनाने की मांग हुई। तेज तेजना से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेजना बेगूसराय तेजना विकास संघर्ष समिति ने सरकार से तेजना चौक पर गोलंबर अथवा फ्लाईओवर के निर्माण की मांग की है। लोगों का कहना है कि अनुमंडल मुख्यालय का तेघड़ा इन 28 चौक वाहनों एवं पैदल राहगीरों की आवाजाही रहने के कारण हमेशा व्यस्त बना रहता है। इन 28 से होकर गुजरने वाले वाहनों एवं तेघड़ा बाजार से तेघड़ा प्रखंड अनुमंडल कार्यालय सहित अथुआ और भगवानपुर की ओर आने जाने वाले वाहनों की बड़ी तादाद है, जिसके चलते उप चौक पर हमेशा जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। कई बार सड़क पार करने के क्रम में लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और उन्हें जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इस समस्या को लेकर रविवार को तेघड़ा विकास संघर्ष समिति के तत्वावधान में बुद्धिजीवियों की बैठक तारकेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें लोगों ने तेघड़ा NH28 चौक पर गोलंबर अथवा फ्लाईओवर का शीघ्र निर्माण करने की मांग सरकार से की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि सरकार द्वारा इस मांग को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में अधिवक्ता शशिभूषण भारद्वाज, पवन ठाकुर, रणधीर मिश्रा, अशोक कुमार ठाकुर, डॉक्टर शून्य उग्रनारायण पंडित, अशोक कुमार, अधिवक्ता प्रमोद कुमार, विभूति भूषण राय, डॉक्टर शून्य मो शून्य शाहिद अकबरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। तेघड़ा का NH28 चौक काफी व्यस्तम चौक है और यह अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित है। यहाँ एक ओर जहाँ NH28 से गुजरने वाले वाहनों की तादाद काफ़ी अधिक रहती है, वहीं तेघड़ा बाजार से अथरवा और भगवानपुर की ओर जाने वाले वाहनों की तादाद भी काफ़ी अधिक रहती है। इस कारण से इस चौक पर हमेशा जाम जैसी स्थिति बनी रहती है और लोगों को सड़क पार करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लोग सड़क पार करने के क्रम में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और अब तक कई लोगों की जान भी चली गई है। यहाँ की जनता ने कई बार सरकार से इस चौक पर फ्लाईओवर अथवा गोलंबर के निर्माण की इनकी मांग की है, लेकिन अब तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया है। एक बार पुनः यहाँ की जनता सरकार से इस NH28 चौक पर गोलंबर अथवा फ्लाईओवर के निर्माण